मिटा सकेंगे क्या, लिखी जो दिल पे इबारत मिटा सकेंगे क्या। नजर नजर में ही, नजर नजर में ही दुनिया सवाल करती है, नजर नजर में ही दुनिया सवाल करती है। नजर मिला के हकीकत छिपा सकेंगे क्या, नजर मिला के हकीकत छिपा सकेंगे क्या। और ये अंतिम शेर आपकी मोहब्बतों के हवाले करके अपनी कर आप जहमत तमाम कि मिलन की राह में कांटे हजार होंगे सुनील, मिलन की राह में कांटे हजार होंगे सुनील। कठिन सफर है मोहब्बत निभा सकेंगे क्या। बहुत 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 थैंक यू सर। महफिल में रंग जमाने को बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसा था कि लोग उधर रुक गए, लोग अचानक से जो सुन नहीं रहे थे वो अचानक से उधर आ गए, ठीक है, तो आप उन सबको धन्यवाद कह सकते हैं। आपकी आखिरी आपके आखिरी मिसरे पे सर, हर इबादत कहाँ पूरी होती है, हर इबादत कहाँ पूरी होती है, इश्क में अक्सर ख्वाहिशें अधूरी होती हैं। इसके साथ मैं अगले शायर को बुलाना चाहूँगा। अगले शायर है श्री कमल किशोर वर्मा, इनका पेन नेम है कमल। आए सर और अपनी कविता हम सबके साथ साझा करें। बहुत बहुत नमस्कार, शुभ संध्या। अद्वितीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक शाम हिंदी के नाम। दोस्तों, आपको मालूम जरूर होगा कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। अंग्रेजी और चीनी के बाद हिंदी का स्थान आता है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ इस पर तो दिल कसोटता भी है। हमारे भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत लिखने वाला कोई हिंदी का विद्यार्थी नहीं था। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ये भी बोलने वाला कोई हिंदी का विद्यार्थी नहीं था। 1875 में एक बंगला भाषी केशव चंद्र सेन ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला कोई हिंदी का विद्यार्थी नहीं था, वो अंग्रेज थे। हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश बनाने वाला भी कोई हिंदी का विद्यार्थी नहीं था, वो भी अंग्रेज थे। रांची सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल वो थे। चलिए यूट्यूब लाइव हम कैसे करें, हम इंस्टाग्राम। लेकिन अब बात हम लोग आज़ादी से कर रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। और अफसोस भी करते हैं कभी तक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनी। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों बननी चाहिए, उस पर मैं अपनी पंक्तियां अब तक पहुंचाता हूं। देखिएगा, हिंद में अब हिंदी की बात होना जरूरी है। हिंदी बने संपर्क की भाषा, ये आवाज मुखर हुई। हिंदी बने जन जन की भाषा, ये आवाज बुलंद हुई। भूतकाल का भूल सुधार उत्तम उत्तर काल